एबीपीएस न्यूज सच का साथी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी मिशन मैनेजरों ने राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में दिया धरना। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह धरना देते रहेंगे तथा आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। अब हाल फिलहाल हमें यूपीपीसीएल ने एक नोटिस दे करके टर्मिनेटेड कर दिया गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें कहा गया है कि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं रह गई है, हमारे पास बजट नहीं है जिससे हम आपको हायर कर सकें, हम आपको कंटिन्यू रख सकें। जबकि ये जो सौभाग्य योजना नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, उसको पूरा अमली जमा पहुंचाने में जो भी योगदान है वो हमारे द्वारा किया गया है। किसी भी प्रकार से विभाग की कोई संलिप्तता इस केस में नहीं रही है। सारे विभागीय अधिकारी अब इसमें अपना फूल माला चढ़ाने में लगे हुए हैं। सब बोल रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमें पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। हम इस वक्त एमडी साहब से, अपने एमडी साहब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी श्री एस के वर्मा साहब से हमने विजिट किया, जिसमें उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने बोला हुआ है कि कार्य को चूँकि समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है, हमारे पास अब रुपया नहीं रह गया, इसलिए हम आपको नहीं रख पाएंगे। हम माननीय सीएमडी मैडम अर्पणा यूसी भी मिले हैं, जिन्होंने हमारी बात को सुना ही नहीं है, केवल ऐसे ही एक ज्ञापन लिया और बोला कि चलो देखते हैं, अगर कुछ होता है तो होता है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया है हमको कि हम अब आपकी सेवाएं नहीं ले सकते। एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी।